मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग आंटी। सिट डाउन। आजकल कैसा मौसम हो रहा है? ठंडक हो रही है ना। हम सब क्या पहन के स्वेटर पहन रहे हैं। और अभी 2 महीने पहले कैसा मौसम था? गर्मी हो रही थी तो हम लोग स्वेटर नहीं पहन रहे थे, है ना। तो हमने जैसे ही कहा कि मौसम कैसा है तो आप लोगों ने तुरंत बताया ठंडा। मौसम क्या होता है बताओ, किसी को पता है मौसम क्या है? मौसम है क्या? हमने जैसे ही पूछा कि मौसम कैसा है तो आपने जवाब दिया ठंडा है। तो मौसम होता क्या है देखते हो ये। हाँ, मौसम में क्या होता है, कभी आज जैसे धूप निकली है, ठंडा जरूर है आज धूप निकली है, कल हो सकता है कि क्या हो जाए, बादल हो जाए, है ना। परसों क्या हो सकता है, बारिश हो जाए, है ना। मौसम हर पल क्या होता है, बदलता रहता है, दिन पर दिन भी बदलता है। और कभी कभी एक दिन में भी धूप होती है, अभी थोड़ी देर में क्या होगा, हो सकता है बादल आ जाए, बारिश भी हो जाए, तो चेंज हुआ ना एक ही दिन में कई बार। तो ये जो बार बार बदला ये क्या है, मौसम। मौसम हर पल हर दिन भी बदलता रहता है, और ये घंटों में भी बदलता है, दिनों में भी बदलता है, और हफ्तों में भी बदलता है। अब आपको समझ में आया, यही वायुमंडल का जो परिवर्तन, चेंजेस होते हैं वायुमंडल में, जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, मौसम। अब समझ में आया मौसम क्या होता है। अब ये बताओ, मौसम जो हमने बताया बदलता रहता है, ये किन चीजों पे डिपेंड होता है, किन चीजों पे निर्भर करता है, पता है कुछ, किन चीजों पे निर्भर करता है? बादल, हवा, वर्षा, हिम, कोहरा, पाला, ये सब नाम सुना है ना, ये सारी चीजें देखी है, ये सब चीजें मौसम के तत्व हैं। मौसम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब ठंड थोड़ी सी और बढ़ेगी तो क्या होगा, कोहरा होता है, देखा है, धूप निकलने से पहले तक बहुत देर तक क्या रहता है, सुबह उठते हो तो देखते हो कि बाहर कोहरा है, सब धुंधला सा दिखाई देता है, होता है ऐसा। ये सारी चीजें किसके तत्व है, मौसम के, और यही सब चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, मौसम। अब समझ में आया कि मौसम को उत्पन्न करने के क्या क्या कारक होते हैं, ठीक। अब इन पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है, पहला है सूरज। सूरज हमें क्या क्या देता है, रोशनी देता है और गर्मी देता है, तीसरा क्या देता है, हाँ शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। बेटा अच्छा एक बात बताओ कि अगर जैसे अभी ठंड हो जाए, कोहरा पड़ने लगेगा, तो अगर 7 दिन तक ऐसी कोहरा पड़ता रहे और ठंड रहे, धूप नहीं निकलेगी, तो क्या होगा, हाथ पर क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे। काम करने का कुछ मन करता है तब आप लोगों का, नहीं मन करता है कि दुखे। और वही धूप निकला एकदम से 4 दिन बाद, तो निकल लगता है बॉडी में क्या हो गया, ताकत आ गई, एक शक्ति ऊर्जा आ गई, तब आप बाहर निकलने के लगते हो, काम करते हो अपने ज्यादा से ज्यादा, होता है सब। तो हमें क्या क्या देता है, सूर्य रोशनी देता है, गर्मी भी देता है और शक्ति भी देता है, ऊर्जा देता है, ये सारी चीजें देता है। दूसरा क्या, कौन सा तत्व है, हवा। हवा मौसम में फर्क डालती है, डालती है कि नहीं। अब हमारे पास, हमारे पृथ्वी पर, आपको पता है पृथ्वी पे, ये पृथ्वी है, ये गोल गोल क्या है, पृथ्वी है। हम सब कहाँ हैं इस पर, ये सब कौन है, हम लोग हैं ना, ठीक है, इस पे हम कौन हैं, हम लोग हैं, दिख रहा है। और इसके चारों तरफ ये क्या है, वायुमंडल, हवा है चारों तरफ, हमारे भी चारों तरफ क्या है, हवा है, है ना। तो हवा भी मौसम पर फर्क डालती है, चारों तरफ हमारे वायुमंडल में, चारों तरफ हमारे, चारों तरफ क्या है, हवा लिपटी हुई है वायुमंडल में। हम लोग कहते नहीं है देखो आज हवा चल रही है, बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारे आसपास क्या है, और हवा भी है, हमको जिसका एहसास ऐसे नहीं होता कि हमारे चारों तरफ, आप बैठे हो आपको एहसास है कि हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास कहीं हवा है, नहीं ना। लेकिन जब पेड़ पौधे हिलते हैं तब आप अंदाज लगाते हो कि हाँ हवा चल रही है, बोलते हो ना ऐसा। अब तीसरा क्या चीज है फर्क डालता है, पानी। तीसरा है पानी, कहाँ कहाँ पानी मिलता है अपनी पृथ्वी, बताओ, बहुत सी जगह पर पानी है, कहाँ है, तालाबों में, नदियों में, गड्ढों में, कुओं में, और हमारी बॉडी में भी है। वो कैसे निकलता है, ये गर्मी लगती है, कितना पसीना निकलता है, तो वो क्या है, हमारे बॉडी का पानी है, ये सारी चीज पानी है। अब ये तीन चीज मिलके क्या क्या, सूर्य, हवा, पानी, ये तीनों चीज अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसी किस पे क्या होता है,
मौसम होता है ऐसा, ठीक है? अब समझ में आया मौसम क्या होता है, है ना? परसों कितना कम ठंडा था, कल क्या हुआ एकदम से ठंडा बहुत बढ़ गया था, है ना? अब आज जितना है, कल हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए या फिर उससे कम हो जाए। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कल ठंड ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा होता है, ठीक? अब मौसम के अलावा क्या होता है हमारे, हम देखते हैं परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? ऋतु, ऋतु जानते हो? ऋतु क्या होती है बताओ? अब इस टाइम कौन सी ऋतु है, अच्छा ये बताइए। हाँ, जाड़े की ऋतु है, शीत ऋतु। शीत ऋतु में हम लोग ऊनी कपड़े रहते, ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को करते हैं कि नहीं, है ना? और फिर वही, जब अभी 2 महीने पहले कौन सी ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु थी, ठीक? उस टाइम हम लोगों को क्या होता था, बहुत गर्मी लगती थी, जरा सा भी चले गए बड़ी गर्मी हो रही है बोलते थे, ठीक? और हम लोग उस टाइम कॉटन के हल्के कपड़े पहनने की कोशिश करते थे कि बहुत गर्मी ना लगे, ऐसा होता है। ये ऋतु है कौन कौन सी, अभी जैसे चल रही है शीत ऋतु, उस टाइम कौन सी ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु थी, था ऐसा पता? अच्छा ये बताइए, और थोड़े दिन पहले वर्षा ऋतु भी आई थी, बारिश हुई बहुत तो वर्षा ऋतु, तो ये बताइए ऋतुएं ये बदलती कैसे, क्यों बदलती हैं? हम लोगों ने पढ़ा है पिछले पार्ट में, हाँ कहाँ, कैसे घूमने से, हाँ वेरी गुड, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से। हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा था ना पार्ट में, कि पृथ्वी का चक्कर, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो जब बहुत करीब होती है उसके, जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु, हम लोगों ने पढ़ा था ये। और जब दूर होती है तो क्या होता है, शीत ऋतु पड़ती है। अब समझ में आया आपको? अच्छा कितनी, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं ये बताओ, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं बेटा? हाँ हाँ, क्या कहते हैं पतझड़ वाली ऋतु को, बसंत ऋतु, वेरी गुड, बसंत ऋतु कहते। तो इस तरह से कौन कौन सी ऋतु हुई, शीत ऋतु होती है, फिर ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु होती है। एक साल में कई महीने तक जो एक मौसम रहता है वो ऋतु कहलाता है। जैसे अब हम इसको शीत ऋतु कह रहे हैं, अब जाड़ा कब से शुरू हुआ, दिसंबर से शुरू हुआ है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक रहेगा, 3 महीने जो मौसम रहा वो क्या कहलाया, एक ऋतु कहलाई। कई महीने तक जो मौसम रहता है वो क्या कहलाता है, ऋतु कहलाता है, 2-3 माह तक। और इसी ऋतुओं के अनुसार क्या होता है, फसलें भी ऋतुओं के अनुसार बोई जाती है, ये पता है आपको? हर ऋतु में अपनी अलग अलग फसल बोई जाती है, ठीक है ना, पता है ये बात? अच्छा ये बताओ कि जाड़े की ऋतु में क्या क्या चीज, खूब ठंड लगती है, ठंडी हवा, देख रहे हो बाहर चल रही है ठंडी हवा चलती है, धूप में बैठना भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है? जब बहुत ठंड लगती है तो क्या मन करता है, बाहर लॉन में जाकर बैठ जाए, तो धूप भी बहुत अच्छी लगती है। और कब बहुत ठंड पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। और पहाड़ों पे इस टाइम पेपर पड़ा है, पहाड़ों पर क्या हो रहा है, बर्फ पड़ रही है, ठंड पड़, उसी की ठंड यहाँ तक भी आती है ना पहाड़ों पर, न्यूज़पेपर में पढ़ा, अखबार में पढ़ा है कि कितनी बर्फ पड़ी हुई है, पड़ रही है पहाड़ों पर, जिसकी ठंड हमें यहाँ तक महसूस होती है ना, पता चल रहा है कि ठंडा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो जाड़ों के मौसम में ये होता है, पता है आपको, ठीक? इसके अलावा दूसरी ऋतु कौन सी है, इसके बाद जाड़ों के बाद तुरंत कौन सी ऋतु आती है, बसंत ऋतु। ये जो हमारी ऋतु 3 महीने की आई, दिसंबर जनवरी और फरवरी तक, दिसंबर से किस कब तक, फरवरी तक कौन सी ऋतु हुई, शीत ऋतु। कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु, है ना? अब इसके बाद आता है मार्च से मई तक, कौन सी ऋतु बताई हमने अभी,
बसंत ऋतु। अभी बताओ बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, बताया कुछ? सबसे अच्छी ऋतु होती है। क्यों सबसे अच्छी होती है? क्योंकि हवा भी चलती है। और हवा अच्छी उस टाइम क्यों लगती है? क्योंकि ठंड खत्म होने के बाद हल्की हल्की ठंड रह जाती है और गर्मी शुरू होने का टाइम होता है ना, तो वो मौसम ना बहुत ठंडा होता है और ना बहुत गर्म होता है, और इसलिए हमको वो ऋतु सबसे सुहावनी और अच्छी लगती है। होता है ऐसा? और इस ऋतु में क्या होता है, पेड़ों के पुराने पत्ते गिर जाते हैं और धीरे धीरे उसके बाद नए पत्ते निकलने लगते हैं। कभी देखा है नए पत्ते निकलते हैं, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, पेड़ एकदम हरा हरा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और इस टाइम उसकी हवा जो चलती है वो और भी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि एकदम ताजे ताजे पत्ते निकले होते हैं पेड़ों में, इसीलिए वो ऋतु बहुत अच्छी ऋतु मानी जाती है। होता है ऐसा? अब जाड़ों के बाद क्या होगा, बसंत ऋतु आएगी। अच्छा, अब बसंत ऋतु निकल जाने के बाद अब कौन सी आएगी? नहीं, मई के बाद अब कौन से महीने में आ गए हम? जून, जुलाई, अगस्त, लगभग लगभग सितंबर तक क्या चलता है? ग्रीष्म ऋतु। अब गर्मियों के दिनों में क्या होता है बताओ? दिन बहुत गर्म होने लगते हैं, होते हैं, हम लोग पंखे भी चलाने लगते हैं ठंडा गर्मी अपने बॉडी को गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पंखे चलाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, शुरू हो जाती है जून से, और जून जुलाई में गर्मी कितनी तेज लगती है कि कहते हैं धूप में निकलने का मन करता है तब? बिल्कुल मन नहीं करता। और उस टाइम क्या होता है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, धूल के पूरे पूरे थपेड़े उड़ते हैं, देखा है ना? और क्या कहते हैं उस जो हवा चलती है उसको, क्या कहते हैं गर्मियों में? हाँ, उस हवा को हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और कुछ भागों में गर्मियों के मौसम में ही ज्यादातर भागों में क्या आती, आंधियां आती हैं, आंधी आती है, देखा है कभी कभी कितनी तेज तेज आंधी आती है, सारा पेड़ पौधे एकदम हिल जाते हैं, देखा है? कभी कभी तो कई पेड़ गिर जाते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है कि आंधी कितनी तेज आती है। और गर्मियों के मौसम में ज्यादातर आपने किस मौसम में देखी आंधियां आते? गर्मियों के मौसम में। अब गर्मियों के मौसम के बाद यही सितंबर से लगभग शुरू हो जाती है और नवंबर के लगभग तक, अक्टूबर नवंबर तक क्या होता है, अक्टूबर नवंबर तक कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। ठीक, अब इस ऋतु में, इस ऋतु का बहुत ज्यादा महत्व है, क्यों बताओ? बारिश होती है, बारिश का हमारे जीवन पर बहुत, जीवन पे हमारे क्या है, महत्व है कि नहीं बारिश का? क्यों है? आंधी बारिश होने से नदियों और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ जाता है और खेती में पानी के लिए और पानी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। देखो इसने क्या होता है कि नदियों का स्तर भी बढ़ जाता है हर जगह, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, होता है। अब जब धूप पड़ती है तो क्या होता है, पानी जितना भी वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर है वो क्या होता है, सूखता है धीरे धीरे। जब वो सूखता है तो उस पानी की कमी हो जाएगी, हो जाए। अच्छा, हमारे पसीना निकलता है, ठीक, अगर हमारी बॉडी से दिन पर दिन पसीना निकलता रहे तो हमारी बॉडी क्या होगी, कमजोर, सूखी हो जाएगी, स्किन कैसी हो जाएगी, ये सूखी हो जाएगी। तो हम उस कमी को कैसे पूरा करते हैं, पानी को पीते रहते हैं। गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं ना, तो जो कमी हुई बॉडी से हमारे पानी की, हमने उसको पानी से पूरा किया, तो ये चक्र चलता रहता है। इसी तरह से वायुमंडल में भी जब पानी जो सूखता है, जो वाष्पीकरण होता है, पानी जो भाप बनकर उड़ जाता है, वो क्या होता है, जैसे कि चाय के लिए पानी बॉयल करते हो, नीचे से आंच रहती है,
है ना। तो पानी धीरे धीरे देखते हो क्या होता है, ढक्कन में देखते हो पानी भर जाता है, भाप बनता है, ऊपर उठता है। बिल्कुल वैसे ही जब सूरज की रोशनी गर्मी हो पड़ती है, जब गर्मी के बाद ही सीधे कौन सी ऋतु आती है, तो गर्मियों में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, पानी हर जगह का क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, सूखता है। तो उसकी कमी पूरी करनी पड़ेगी ना, तभी तो जीवन संभव है। तो उस पानी को कैसे, वर्षा ऋतु के द्वारा फिर वो पानी चक्र चलता है, पानी फिर से हमारी धरती पर आता है। अब समझ में आया, अगर सिर्फ जाता रहेगा और आएगा नहीं तो क्या होगा, सारा बैलेंस क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये चक्र होता है जो इस तरह से पूरा साइकिल किया जाता है। और आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग खेती पर निर्भर हैं, और जब खेती पर निर्भर हैं, और खेती किस पर निर्भर है, पानी पर, पानी पर निर्भर है। अगर आप सिंचाई नहीं करोगे तो खेती हो पाएगी, नहीं हो सकती ना। तो इसलिए वर्षा ऋतु का बहुत अधिक महत्व है कि नहीं है, बताइए आप। वर्षा ऋतु, अगर बारिश नहीं होगी, पानी नहीं आया पृथ्वी पर हमको मिलेगा, तो खेती के लिए हम पानी कहाँ से लाएंगे, ठीक। सिंचाई हम कैसे करेंगे, सिंचाई द्वारा ही तो हम करते हैं। अच्छा देखा होगा वर्षा ऋतु में मैदानों में देखा होगा खूब नई नई हरी हरी घास निकलती है, देखा है, है ना। और गर्मियों में वही घास कैसी हो जाती है, पीली पीली सूख जाती है, देखा है ना। लेकिन कभी कभी वर्षा ऋतु में भी वो घास पीली और ऐसी हो जाती, कब होती है, ऐसा कब होता है, जब सूखा पड़ता है, जब सूखा पड़ जाता है तब ऐसा होता है। जब बारिश ही नहीं होगी तो क्या होता है, तब भी घास सूख जाती है। या फिर कभी कभी वर्षा ऋतु में ऐसा होता है कि बारिश बहुत ज्यादा भी होती है, तब क्या होता है, तब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ सुना है ना, जब बारिश ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बाढ़ आ जाती है, सुना है ना आपने ऐसा। जब पानी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, और जब अधिक बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। अब आपने मौसम के बारे में पहले पढ़ा कि क्या किस किस चीजों से होता है फर्क पड़ता है, सूर्य हवा पानी मिलकर क्या बनता है, मौसम बनता है। उसके बाद ऋतुएं होती हैं, कई महीने तक जो मौसम रहता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। दिसंबर से फरवरी तक, दिसंबर से नहीं बेटा, नवंबर से लगभग, ठंडक कब से शुरू हुई, नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से मई तक बसंत ऋतु, एक मिनट मोनी रोकना, नवंबर से जनवरी तक कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु, जो इस टाइम चल रही है हमारी, कौन सी ऋतु चल रही है, शीत ऋतु। फरवरी से अप्रैल तक बसंत ऋतु, जिसमें सारे पत्ते पेड़ों के झड़ जाते हैं और नए पत्ते पेड़ों में आते हैं, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते आते हैं। फिर उसके बाद मई से लगभग जुलाई तक कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, बहुत गर्मी हो जाती है। जून के महीने में देखा है कितनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक। उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु। अब ये सारी चार तरह की ऋतु होती हैं, आपने ये पढ़ा। अब आप ये बताइए ऋतु के अनुसार हमारे सब्जी और फल भी होते हैं अलग अलग। अच्छा बताओ इस टाइम चल रही है शीत ऋतु, इस टाइम मौसम के हिसाब से भी सब्जियां उगाई जाती हैं, कौन कौन सी सब्जियां हो रही हैं बताओ। हाँ हर मौसम में अलग अलग सब्जी होती है। इस टाइम की सब्जियों में क्या खूब सारे साग आते हैं, देखा है हरे हरे, है ना, बहुत साग मिलते हैं इस टाइम। मटर इसी मौसम में मिलती है, होता है ऐसा, नया आलू इसी मौसम में आता है, जो बिल्कुल अलग टेस्ट होता है, स्वाद होता है उसका, वो इसी मौसम में आता है। गर्मियों की अपनी क्या होती है, अलग सब्जियां थोड़ी होती हैं। गर्मियों में खास क्या होता है, बाकी आलू वगैरह तो मिलता ही है, गर्मियों में और क्या खास आता है बताओ, कौन सी, आम आता है, हाँ फलों में आम आता है। और एक चीज बताओ और खास, गर्मियों में पानी की कमी होने लगती है, हाँ तरबूज और खरबूज भी आते हैं ना, क्यों, वो उस मौसम में आते हैं, देखा उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है बहुत, है ना, वो हमारे बॉडी में पानी की कमी को पूरा करते हैं, इस मौसम में आते हैं ना, वो सिर्फ गर्मियों में ही पैदा होते हैं। और किसी मौसम में देखने को मिलते हैं खरबूज या तरबूज, नहीं ना, वो इसी मौसम में पैदा होते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, हर अपनी ऋतु की अपनी अपनी महत्व, अपना अपना महत्व अलग अलग होता है। अगर एक ही ऋतु चलती रहे तो कैसा लगेगा,
अच्छा नहीं लगेगा ना, जब गर्मी है तो हम गर्मी को एंजॉय करते हैं, जब जाड़े हैं आजकल तो जाड़े को एंजॉय करते हैं, जब बारिश होती, बारिश नहीं हो तो भी अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं अच्छा लगेगा ना, तो बारिश को भी हम एंजॉय करते हैं। हर ऋतु का अपना एक अलग महत्व होता है। अब अगले पार्ट में हम लोग भारत के बारे में जानेंगे, भारत की ऋतु और वहां की जलवायु के बारे में जानेंगे, ठीक है? तब तक बाय बेटा।